20 पार्टियों की बैठक के बाद एक तथाकथित प्रस्ताव पारित हुआ है। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के अलावे प्रमुख पार्टियां इस बैठक में नहीं गई थीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आग्रह पर। न तो बीएसपी थी, न सपा थी, न आम आदमी पार्टी थी, न ममता जी की टीएमसी थी। तो विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही उड़ गई। लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ है उससे सबसे अधिक खुशी पाकिस्तान को होगी, जिस पाकिस्तान ने अपने यहां के माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों को सबसे अधिक प्रताड़ित किया है, सबसे अधिक विक्टिमाइज किया है, उसके सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन आज सोनिया जी, राहुल जी मोदी जी की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा। और भाजपा की ओर से हम सोनिया जी और राहुल जी को पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए बधाई देना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? संसद में 2 दिन दिन भर खुली बहस हुई, वोटिंग भी हुई, सबों ने चर्चा में भाग लिया और फिर निर्णय हुआ। अब कहा जा रहा है कि संसद में नागरिकता संशोधन कानून हड़बड़ी में पारित किया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहले एक चीज बताएं, क्या यह सच्चाई है कि नहीं कि पाकिस्तान में आस्था के कारण सबसे अधिक पीड़ित गरीब हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान में सबसे अधिक जो हमारे अनुसूचित दलित भाई थे जिनको नमो शूद्र कहते हैं, वो पीड़ित होकर भाग कर आए थे। क्या यह सच्चाई है कि नहीं कि गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी अपनी बेटी बहनों की इज्जत को बचाने के लिए भाग कर आए हैं? तो क्या सोनिया जी एक महिला नेत्री होकर बेटियों की इज्जत के सवाल पर खामोश रहती हैं? तो आज पाकिस्तान को बेनकाब करना है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान मानवाधिकारों की इज्जत नहीं करता, तो आप नरेंद्र मोदी की सरकार को अनावश्यक, बेबुनियाद तरीके से आरोपित करने की कोशिश कर रही हैं।